हेलो एवरीवन, माई सेल्फ लक्ष्मीचंद फ्रॉम मैथमेटिक्स सॉल्यूशन। आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपका अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन। अब मैंने कोई भी ए और बी टू पॉजिटिव नंबर्स लिए तो इनका जो अर्थमेटिक मीन होगा ए एम दैट विल बी ए प्लस बी अपॉन टू। यदि आपके पास थ्री नंबर्स हैं, मैंने ए बी और सी लिए हुए हैं, ये आपके थ्री नंबर्स हैं, तो इसका जो अर्थमेटिक मीन होगा थ्री को आप ऐड करो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन थ्री, ये आपका अर्थमेटिक मीन। अब आपके सेम ये टू नंबर्स हैं और इसका मैं ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करूंगा। तो ज्योमेट्रिक मीन में हमारा क्या होता है कि ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दीज टू नंबर दैट विल बी इक्वल टू रूट ऑफ ए बी, मतलब जितने नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट और उसी ऑर्डर का हम जो है रूट डाल देंगे इस पर। तो यहाँ टू नंबर्स थे तो स्क्वायर रूट होगा, थ्री नंबर्स होंगे तो क्यूब रूट होगा, फोर नंबर होंगे तो फोर्थ रूट होगा और मल्टीप्लाई करेंगे उनको। अब जैसे कि मैंने यहाँ थ्री नंबर्स लिए तो आपका यहाँ पर जो ज्योमेट्रिक मीन होगा दैट विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दीज थ्री नंबर्स ए बी और सी एंड फोर्थ क्यूब रूट ऑफ ए बी सी, तो ये आपका इसका ज्योमेट्रिक मीन होगा। अब मैंने टू नंबर्स में लिया है केवल, मैं इस केस को ले रहा हूँ और मुझे शो करना है कि अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन देयर ज्योमेट्रिक मीन इफ ए एंड बी आर पॉजिटिव नंबर्स। तो अर्थमेटिक मीन मीन्स ए एम माइनस जी एम, मैं इसको लेके चल रहा हूँ, तो अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर दैट इज ए प्लस बी अपॉन टू एंड माइनस रूट ए बी। अब मैं इसका एलसीएम लेता हूँ, मीन्स दैट विल बी ए प्लस बी माइनस टू रूट ए बी अपॉन टू। ये आपका इसके इनको मैंने सिंप्लीफाई किया हुआ है। अब इसको मैं लिख सकता हूँ कि आपका रूट ए प्लस रूट बी होल स्क्वायर एंड माइनस टू रूट ए इंटू रूट बी और अपॉन टू, तो ये आपका ए माइनस रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर। तो ये आपका आ जाएगा रूट ए माइनस रूट बी होल स्क्वायर अपॉन टू। अब देखो यहाँ पर मेरा ये वैल्यू, ये डिवाइड वर्क कट हुआ, ये आपका होल स्क्वायर का है, ध्यान रखना इसमें से। अब देखो यहाँ पर रूट ए माइनस रूट बी, ये आपका टू नंबर्स का डिफरेंट है, ए एंड बी आर रियल नंबर्स एंड इसका रूट लेंगे वो भी आपका रियल नंबर मिलेगा, मींस जो डिफरेंस है वो इट मे बी नेगेटिव और इट मे बी पॉजिटिव, कुछ भी मिल सकता है, बट स्क्वायर विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो देयरफॉर रूट ए माइनस रूट बी होल स्क्वायर अपॉन टू दैट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, ये आपका हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के इक्वल आएगा। और आपने ये वैल्यू जो ले रखी है वो ए एम माइनस जी एम की है, इट मीन्स यू कैन राइट दिस ए एम माइनस जी एम दैट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और ए एम ऑफ जी एम को मैं उधर ले जाता हूँ दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम। तो ये आपका इसका प्रूफ था कि कोई भी टू नंबर्स हैं या आपका कोई भी नंबर्स हैं तो उनका जो अर्थमेटिक मीन होगा हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से आपका ग्रेटर मिलेगा। इफ एक्स वाई एंड जेड आर पॉजिटिव रियल नंबर्स देन फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई वाई प्लस जेड इंटू जेड प्लस एक्स। आपने इनकी इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखो एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव नंबर्स और अकॉर्डिंग टू अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन, सो अर्थमेटिक मीन ऑफ एक्स एंड वाई, पहले मैं एक्स वाई का निकालता हूँ, सो दिस विल बी अर्थमेटिक मीन एंड इट विल बी ऑलवेज गेट देन इक्वल टू देयर ज्योमेट्रिक मीन मीन्स रूट एक्स वाई, दिस इज नंबर वन। सिमिलरली अर्थमेटिक मीन ऑफ वाई एंड जेड मीन्स वाई प्लस जेड अपॉन टू दैट शुड बी गेट देन इक्वल टू रूट वाई जेड, दिस इज नंबर टू। एंड अर्थमेटिक मीन ऑफ जेड एंड एक्स जेड प्लस एक्स अपॉन टू दैट शुड बी गेट देन इक्वल टू रूट जेड एक्स, दिस इज नंबर थ्री। एंड मल्टीप्लाइंग दीज थ्री इक्वेशंस सो वन टू एंड थ्री यू विल गेट एक्स प्लस वाई इंटू वाई प्लस जेड इंटू जेड प्लस एक्स अपॉन टू इंटू टू दैट इज एट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब देखो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर जेड इंटू जेड जेड स्क्वायर, इट मीन्स रूट आपका खत्म हो जाएगा, मीन्स यू कैन राइट एक्स वाई जेड एंड राइट हेयर इट मीन्स एक्स प्लस वाई एंड वाई प्लस जेड एंड जेड प्लस एक्स दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एट एक्स वाई जेड, इट मीन्स द लीस्ट वैल्यू ऑफ एक्स वाई इंटू वाई जेड प्लस
वाई प्लस जेड इंटू जेड प्लस एक्स दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू सॉरी लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस दैट विल बी 8xyz। तो ये आपका एक्सरसाइज, इसमें आपकी जो ML अग्रवाल की है उसमें ऐसे आपके ज्योमेट्री क्वेश्चन बेस पर क्वेश्चन हैं, आप उनको इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे उसमें प्रूफ का भी है कि प्रूफ दैट 1+a² इंटू 1+b² एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू, आपने इसको प्रूव करना है। तो अब देखो मैं यहाँ पर क्या लूँगा, 1 दैट इज द पॉजिटिव रियल नंबर एंड a इज ऑल्सो पॉजिटिव रियल नंबर एंड b इज ऑल्सो पॉजिटिव रियल नंबर। सो फर्स्ट वी विल टेक 1 एंड a, सो अर्थमेटिक मीन ऑफ 1 एंड a स्क्वायर, सॉरी नॉट a, a स्क्वायर इज दिस, दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू देयर ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन में आपने क्या करना है, a और 1 का मल्टीप्लीकेशन और उसका रूट, ये इसका ज्योमेट्रिक मीन हो गया। दूसरे केस में मैंने 1 और b स्क्वायर लेना है, तो इसका जो अर्थमेटिक मीन है 1 आप b स्क्वायर और अपॉन 2, दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू रूट के अंदर आपका b स्क्वायर इंटू 1, इनका मैंने दोनों नंबर का प्रोडक्ट रख दिया। अब मैं दोनों को इनको मल्टीप्लाई करता हूँ, तो आपका 1+a² और इंटू 1+b² और नीचे आपका 2 × 2 हो जाएगा 4, दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, देखो इसका रूट तो a हो जाएगा और इसका रूट आपका b हो जाएगा, तो मीन्स दैट इज ab, और इसको मैं इधर कर देता हूँ, इट मीन्स 1+a² एंड 1+b² दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4ab। आप जो ज्योमेट्रिक मीन और अर्थमेटिक मीन से मैंने जैसे आपका प्रॉब्लम सॉल्व की थी, आप उस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।